स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ तो एक्सपेरिमेंट वो फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो हाफ एडर डेटा फ्लो में है। अब अपन ने यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग यूज करी है कि हाँ अपन को अपने पास हाफ एडर का ऑलरेडी कोड पड़ा था, तो अपन उसको वापस सीधा वही कोड यूज कर लेंगे। तुम कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब स्ट्रक्चरल में तुम चाहे डेटा फ्लो का यूज ले लो, चाहे तुम वो बिहेवियरल ले लो, दोनों दोनों में से कोई भी ले लो। और एट दी एंड तुम्हें पोर्ट मैप भी, जैसे प्रोग्रामिंग का तरीका है इसके, कि हाँ पोर्ट मैप लिखोगे, उसके बाद तुम्हारा जो भी है अंदर का, जो मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स पे जाना चाहिए कि हाँ जैसे ए उसका क्या था, एग्जैक्ट वही डिफाइन होने चाहिए। जैसे इसके ए बी एस सी है, मैं उधर जाता हूँ, जस्ट डेटा फ्लो कहाँ गया, एक सेकेंड, डेटा फ्लो पे कोड। तो यहाँ पे ए बी एस सी चारों के चारों डिफाइंड है, सेम वैसे के वैसे वहाँ पे डिफाइंड होने चाहिए। तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया, देन कंप्लीट। अब सेकंड वाला, इसमें सबसे ज्यादा पंगे हो सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा घुमा सकते हैं वो क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो, क्योंकि सेकंड वाले में अपन को पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो से एक्स एक्स नाइन तक, और क्वेश्चन इन्होंने खुद ही बना के दिया था वो वाला। इसकी थ्योरी है, फालतू थ्योरी पे अपन चढ़ेंगे नहीं। अब अपन को आठ आठ स्टेज के दो इनपुट और गेट लगाने हैं। अब स्टेज क्या होती है, बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज है कि हाँ अपन ने एक एक लेवल पे कितने आ रहे हैं साथ में, सेकंड लेवल पे कितने आ रहे हैं साथ में, थर्ड फोर्थ, ऐसे करके आठ स्टेजेस है पूरी। तो पूरे आठ स्टेज का बनाने, मतलब ए टू जेड तुम्हें इसका लॉजिक सोचना पड़ेगा कि तुम्हें आठ स्टेज का बनाने, सात स्टेज का बनाने, तो वो कैसे बनेगा, कंबाइन कंबाइन कैसे करा जाए। अब इसके अंदर अगर मेरे को जैसे आठ स्टेज का बनाना था, तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं जैसे इसके अंदर टोटल 10 इनपुट लिए हुए हैं, तो मैं पांचों का मतलब हर दो दो का पेयर बना के उनका इनपुट लेके, आगे दो दो का पेयर का इनपुट लेके वो तीन स्टेज तक ही जा रहा था। बट मेरे को पूरा आठ स्टेज बनाना, तो मैंने क्या किया, पहले दो का इनपुट लिया, फिर इसके आउटपुट का। अब इसका आउटपुट लेना, तो मेरे को फर्स्ट स्टेज क्लियर क्रॉस करनी पड़ेगी, सेकंड स्टेज पे आना पड़ेगा। सेकंड स्टेज पे आया और फिर एक और का इनपुट लिया, एंड ऐसे करता गया मैं, तब जाके आठ स्टेजेस पूरी हुई है, अदरवाइज नहीं होती है वो। समझ आया? हाँ हाँ ये लॉजिक मतलब सोचना पड़ेगा पेपर में, कि क्योंकि क्वेश्चन कैसा आता है उस हिसाब से लॉजिक सोचना पड़ेगा तुम्हें, तो वो वाली चीज। अब हाँ चार तीन, हाँ फर्स्ट वाले का कोड दिखाना है। मैंने पहले का आउटपुट सेकंड के इनपुट में डाला है, ताकि वो एक अलग स्टेज बन जाए पूरी। मिनट, ये ओवरनोड सिग्नल है। ठीक हाँ सिग्नल है, है, इवेंट सिग्नल बताया नहीं क्या मैंने, बता दिए थे ना सिग्नल तो। नहीं बता, हाँ बता दिया, ठीक हाँ है, समझ गया। अब अपन को जैसे चार चार डिफरेंट और गेट यूज करने हैं, लेकिन अपन को ये नहीं है कि लाइक इन और गेट का कितने इनपुट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले में अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाँ दो इनपुट के और गेट यूज करने हैं, और टोटल आठ स्टेज फिक्स बनानी है। अब अपने को इनपुट कुल मिला के तो तीन इनपुट, एक मिनट, फोर डिफरेंट, क्या गड़बड़ लिखा हुआ है शायद मैंने, छोड़ो, मतलब चार चार इनपुट वाले तीन तीन और गेट यूज करने आए थे, ऐसे क्वेश्चन था अपना। इसके कोड में मैंने क्या किया है, सिंपली चार इनपुट का एक एक और गेट का मैंने इसके अंदर वो ले लिया, सिंपली चार इनपुट का और गेट ले लिया। मैं पूरे का कोड बार बार नहीं लिख सकता ना, मेरे को चार बार यूज करने, तो मैं चार बार कोड नहीं लिखूंगा, मैं उसका सिंपली उसको अलग से बना के और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार इनपुट लिए, उसका एक आउटपुट कर दिया, देन मैंने, क्योंकि मेरे पास टोटल 10 इनपुट है x0 से x9, वैसे इनको अपन ऐसे डिफाइन करा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, एक्स इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, नाइन डाउन 0, वो जो मतलब वेक्टर डिफाइन करने का तरीका होता है उस तरीके से, ऐसे नहीं भी करे तो भी चलता है, उस टाइम मेरे को नहीं पता था इसलिए मैंने पूरा कर दिया था। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, चार इनपुट लिए, एक आउटपुट हो गया उसका, इसका कोड देखूंगा, रिपोर्ट्स देख ली, सिंथेसिस। हाँ और एक सेकंड, तो लेट्स गो बैक अगेन। हाँ ये वाला समझ आया?
हाँ ओके okay. अब अपन को, अब इसमें क्या था कि अपन ने, अब इसके अंदर अपन ने दो ही स्टेजेस यूज करी, स्टेज वन स्टेज टू, चार इनपुट का और गेट का, तो तुम मतलब सिंपल कोड बना ही लोगे यार, एकदम बेसिक सा कोड होता है। इसका कोड दिखाऊं क्या अलग से बना के? हाँ और ही तो है। हाँ मतलब चारों में अलग अलग जाएगा वही। मतलब चार इनपुट लेना और एक आउटपुट फंक्शन मतलब वेरिएबल ये कहाँ लेना। से आ अरे गए, ये तो सीएस नहीं है। मैंने मैंने भेजी है तो अच्छा ठीक है, हाँ मतलब ठीक है हो गया। हाँ सुन चल ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब अपन को क्या है ना, थ्री स्टेज नेटवर्क यूज करना है। थ्री, अब ये मैंने एनालाइज करा, मेरे को समझ आ गया कि थ्री स्टेज में नेटवर्क मैं चार इनपुट और गेट से भी बना सकता हूँ। मतलब जो चार इनपुट और गेट का मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया था ना, मैं उसको यूज कर लेता हूँ, तो मैंने वो वाला कंपोनेंट वापस यूज कर लिया। और भी तरीके हो सकते हैं अपन को, बेसिकली थ्री स्टेज नेटवर्क बनाना है, इसमें कैसे भी बना सकता हूँ मैं सारों को एक और गेट लगा दूँ, फिर यहाँ पे एक और गेट लगा दूँ, टू इनपुट और गेट, टू इनपुट और गेट, टू इनपुट और गेट के तीन स्टेजेस भी बना सकता हूँ, और ऐसे भी बनाया, तो ये भी लॉजिकली सही है। तुम्हें बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेज बनाए थे, मेरे को आलस आ रहा था तो मैंने सिंपली इसको जो पहले वाले का था उसको ही थोड़ा इम्प्रूव कर दिया। इसके कोड और उसके कोड में थोड़ा सा अंतर है, मतलब दिखाता हूँ। उसमें मैंने पहले का आउटपुट सेकेंड वाले में यूज नहीं करा था, अब इसके अंदर मैंने सेकेंड वाले में यूज कर लिया, तो वो तीन स्टेज पे आ गया, वो पहले दो स्टेज था ये तीन स्टेज हो गया, बस इतना सा अंतर कर दिया मैंने। ये लॉजिक सोचना पड़ेगा तुम्हें हर बार, क्योंकि ये हर बार अलग आ सकता है। आ गया ये पोर्ट मैप लिखने के बाद मतलब अपने को ऐसे अलग से रिटर्न वैल्यू नहीं लिखनी होती ना, आउटपुट के हाँ आउटपुट में जो डालेंगे वो सीधा उसमें वैल्यू आ जाएगी, हाँ O2 में अब जैसे जैसे, आ हाँ जाएगी। जैसे चार इनपुट चार और गेट में क्या है, अपने पास चार इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं, तो तुम्हें सीधा डालना है कि तुम इनपुट किस किस को दे रहे हो, कौन कौन से वेरिएबल को, और आउटपुट कौन कौन से वेरिएबल को दे रहे हो, बस। ठीक है हाँ अब अपन को फोर स्टेज नेटवर्क बनाना है, तो ये इस तरह से बना लिया मैंने। बेसिकली तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि लाइक तुम्हें फोर स्टेज फाइव स्टेज किसी कितना भी बोल सकता है वो, तुम्हें आइडिया लगाना है कि तुम, हाँ ऐसा बना के मतलब रफ पेज पे बना के देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कैसे बनाना है, आगे उसका कोड आराम से बन जाता है। फिर एक बार अगर रफ पेज पे तुम्हें ऐसा बना लो ना, अब मेरे को फोर स्टेज बनाया था, मेरे को सिंपल चार और गेट से दिखा, अब मैं नाइन्थ वाले को एट्थ वाले के साथ भी ले सकता था, लेकिन मैंने एट्थ और नाइन्थ को आगे लिया है, वो चीज है। ये इसका सिंपल कोड है, मतलब ये कोड वैसे तो तुम सबने भी कर रखे होंगे, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा आगे चलते हैं। समरी, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, और इसके अंदर अब अभी अपन को फंक्शन सारे X0 से X9 तक समेशन दिया हुआ था, अभी अपने पास वो भी आ रखा है, एडर सब्ट्रैक्टर भी आ रखा है, तो वो सब्ट्रैक्टर भी दे सकते हैं कि X8 तक प्लस कर दे और X9 वाला माइनस कर दे, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं, वो आगे वाले फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा आई गेस। तो एक्सपेरिमेंट थर्ड खोलते हैं अब अपन, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर तो सबको पता है क्या होता है, या समझाऊं? थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा कुछ। अरे हाँ चिल कर चिल कर। हाँ बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में अपने पास क्या होता है कि मतलब यहाँ से समझाता हूँ, ये मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे अपने पास ये दो इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे को कोई एक भेजना है, कभी तो मेरे को पहला वाला भेजना है, कभी मेरे को दूसरा वाला भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक चॉइस रख दूंगा कि अगर इसमें जीरो आ रहा है तो मैं इसको एक बार ये नाम देता, ये तो मैं ए भेज दूंगा, और अगर मेरे पास वन आ रहा है तो मैं बी भेज दूंगा। मतलब मेरे को बेसिकली डिसीजन मेकिंग ये वाली चीज करते हैं कि अपन को जो इतने इनपुट्स हैं उनमें से कौन सा आगे भेजना है, तो वो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाया ठीक है है। ठीक। और ये जो होती है मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग करता है, इसको इनको अपन इनपुट लाइंस कहते हैं, इनपुट लाइंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। अब चार इंटू वन, चार चार का एक आउटपुट, मतलब चार में से एक चूज करना, दो में से एक चूज करना, वो सब चीज होती है। अब जितना जितने अपने पास इनपुट होते हैं ना, अब कौन आ गया, आते जा रहे जनता, ठीक है। अपने पास जितने इनपुट होते हैं ना,
उसके वो 2 raise to power कितना है उतने अपने पास इनपुट मतलब वो होंगी, वो इनपुट लाइंस होंगी। जैसे 4 का है तो अपने पास 2 input lines होंगी, 8 का है तो अपने पास 3 input lines होंगी वो चूज करने के लिए। और एक बार मैं 2 वाले का कोड भी लिख देता हूँ, जैसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको आई कर देते हैं, इसको ए और बी कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कोड ऐसे आ जाता है, ए इंटू आई बार प्लस बी इंटू आई, गॉट इट? हाँ कि मतलब अगर आई आई बार 0 हो जाए, मतलब आई अगर 0 होगा तो ये ए चला जाएगा, और आई बार आई अगर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, बी चला जाएगा ऐसे। और ऐसे ही सिंपली तो मतलब 4 into 1 का भी कर सकते हो और 8 into 1 का भी कर सकते हो। अब इसका हाँ मतलब अपन ने कैसे करें, डेटा फ्लो से यूज़ करें। तो डेटा फ्लो में अपना सीधा तरीका, अपन सीधा गेट्स लगा देते हैं, डेटा फ्लो में तो गेट्स ही लगते हैं, तो अपन ने सीधा गेट्स लगा दिए, एक लाइन में आउटपुट आ गया कि हाँ तुम्हारा तुमने नॉट एस इंटू 1 0 और ये 1 1, बस सॉरी आई 0 आई 1 है, 1 1 नहीं है। बेसिकली वो इनपुट्स को आई 0 आई 1 दे दिया मैंने, ए और बी की जगह जो है ना वो चीज़ है, और जो वो इनपुट लाइन थी उसको जगह एस दे रखा है, वही चीज है। ये सिमुलेशन मतलब वो फिर आगे तुम समझ लोगे ना, ये तो ट्रू सिमुलेशन होता तो ट्रूथ टेबल ही है, बेसिकली ट्रूथ टेबल ही बनी हुई है, ट्रूथ टेबल तो समझ लोगे। हाँ। अब ये 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर बिहेवियरल मॉडलिंग का यूज करते हैं। वो डेटा फ्लो में क्या होता था, अपन सारे गेट्स यूज करते थे, बिहेवियरल में अपन प्रोसेस यूज कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो उसी का मैंने लॉजिक अगर मेरे को गेट्स के बजाय उसमें लगाना हो तो मैं यहाँ पे केस लगा दिया, या तो मैं इफ एल्स यूज कर सकता हूँ या मैं केस कर सकता हूँ। एस में अगर अपन 0 दे रहे हैं तो वो आउटपुट अपने पास इनपुट के बराबर हो जाएगा, इनपुट 0 पहले वाले इनपुट के बराबर हो जाएगा, और 1 दे रहे हैं तो वो दूसरे वाले इनपुट के बराबर हो जाएगा, बस। इट मतलब मैं थोड़ा क्विक बताया क्योंकि कुछ खास है नहीं, कोड तो देखो तो लॉजिक होता है मेनली, तो कोड तो तुम आगे कर सकते हो, तुम्हारे पास लॉजिक है तो मतलब सूडो कोड है तो काइंड ऑफ। फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर, सेम वही लॉजिक है। दो अपने पास यहाँ पे क्या है, दो वो है इनपुट लाइंस हैं, तो दो इनपुट लाइंस मतलब वो तुम्हें बनाना पड़ेगा ना, कि जैसे ये 2 का है तो ऐसे 4 का बनाओगे तो ऐसा इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। अपने पास एक मतलब आई इनपुट लाइन एक और आ जाएगी और एक यहाँ पे सी और आ जाएगा ना, सी डी, तो 3 वेरिएबल बढ़ गए, तो उस हिसाब से को बना लोगे मतलब ये वाला हाँ ये। फिर तो हो जाएगा। हाँ, हाँ इस बार 2 पे कंस्टेंट रहेगा, मतलब 2 आई। 2 आई 1 आई 2 रहेंगे। हाँ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग यहाँ पे अब अपने 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर उसका 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके करा है। अब अपन ने ये वाला समझ आ रहा है, मतलब अगर देख के, ये देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है हमेशा, बोल्ड ग्रीन लाइन्स आ जाती है ना, समझ आ रहा है या मैं एक बार एक्सप्लेन करूं? नहीं, करेगा। यहाँ पे अपन क्या है, अपने पास क्या है, S1 और 0 यानी 2 इनपुट दे रखे हैं, और यहाँ मतलब ये वो है सेलेक्ट लाइंस है, सेलेक्ट लाइंस, सेलेक्ट लाइंस, और ये इनपुट अपन को 4 दे रखे हैं, 3 से 0। जब भी मतलब अपन वेक्टर डिफाइन करते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया था कि वेक्टर डिफाइन करते हैं तो दोनों क्लोज ब्रैकेट में होते हैं। वह अगर मैं लिखूं 3 down 0 तो यहाँ पे 3 भी इंक्लूडेड होगा और 0 भी इंक्लूडेड होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब जैसे ही जाते हैं यहाँ पे हमेशा ऊपर देखो 0 जा रहा है, सेलेक्ट लाइन 0, तो यहाँ पे 0 और 1 में चूज हो जाएगा, I0 और I1। यहाँ पे I0 I1 गए तो I0 I1 में से कौन सा चूज होगा, 0 गया तो 0 मतलब हमेशा पहला वाला चूज होगा, तो ये पहला वाला है मतलब सॉरी माय बाय, यहाँ से I0 चूज हो गया। अब मैं 1 वाला, और अब मैंने यहाँ पे भेजा 0 मतलब
इसमें मैं एस बेसिकली अभी मैंने क्या करा था, सेलेक्ट लाइन जीरो में मैंने जीरो पुट करा था, अब यहाँ एस एक सेकेंड 001, हाँ सही कह रहा हूँ, अब यहाँ पे S0 ही है, S0 में यहाँ पे मैं वापस, यहाँ पे जीरो है और अपने पास I3 और I2 लिखा हुआ होना चाहिए, ये लिखा हुआ गलत है यहाँ पे, मतलब बेसिकली 1 और 2, 1 2, हाँ सही सही लिखा हुआ है, सेकेंड इनपुट थर्ड इनपुट, यहाँ 0 वाला इनपुट था, 1 वाला इनपुट था, वो क्योंकि ये तो गेट पे मतलब ये जो 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर है उसके तो I0 I1 ही रहेंगे ना, अपन ने यहाँ पे सेकंड वाला इनपुट दिया है, यहाँ पे थर्ड वाला इनपुट दिया है, वो वाली चीज है, तो हाँ अब अपन ने पहले अपन ने S0 को जीरो रखा है और S1 को भी मैं जीरो रख रहा हूँ, तो चार केसेस बनेंगे ना, रुक केसेस बताऊँ तो चार इंटू वन में ये केसेस बनेंगे ना, 0 0 पे I0 आएगा, 0 1 पे I1 आएगा, 1 0 पे I2 आएगा, और 1 1 पे I3 आएगा, अब कई कई बार कंफ्यूजन हो जाती है I1 I2 में से पहला कौन सा आएगा, तो सीधा तरीका है इसका मतलब बाइनरी का डेसिमल करके देख लो, 0 1 का क्या होता है डेसिमल में 1, और 1 0 का क्या होगा 2, तो डेसिमल में देख लो समझ आ जाएगा, उसी ऑर्डर में लगा देना, S0 0 दिया और S1 भी 0 दिया, तो यहाँ पे अपने पास पहले का आउटपुट क्या आया था, I ऑफ 0 आया था, और यहाँ पे अपने पास सेकेंड वाला 1 पे गया था, कई बार बाद में डालूंगा, तो यहाँ I2 गया, अब I0 इस वाले पे प्लेस पे और I2 इस वाली प्लेस पे, वापस यहाँ पे 0 है तो 0 पे हमेशा ऊपर वाला सेलेक्ट होता है, तो आउटपुट में अपने पास I0 आ जाएगा, समझा लॉजिक, हाँ ठीक है। वापस समझा दूँ नहीं तो थोड़ा ये थोड़ा मैं खुद बीच में कंफ्यूज हो गया था, नहीं, आ गया तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, हाँ तो अपन यहाँ पे 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, अब वही है सेम वही लॉजिक है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉडलिंग का यूज कर रहे हैं अपन, तो हाँ पहले चार इनपुट्स का देख लिया, पहले इन चार का देख लिया, फिर इन चार का देख लिया, और इन दोनों का नेट देख लिया, तो वो बनाने का तरीका है इसका, इसका वापस मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे वेक्टर भी यूज कर सकते हो, तो वो पूरा इतना लिखना नहीं पड़ेगा 0 से 7 और ये इतना लंबा चौड़ा, देख लो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं तो ये क्योंकि सीधा सीधा ये एकदम ये मान ले भाई आई नाम का वेक्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर अपन उसके जीरोथ एलिमेंट कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे निकालते हैं, आई आई मतलब जैसे नॉर्मल आई I0 लिख देंगे या फिर आई फिर ब्रैकेट में जीरो लिख देंगे। ये इसका I0 एलिमेंट होता है, जैसे अपन एरे में A1 लिखते थे ना, हाँ तो वैसे इसके लिए वो होगा, ठीक है और इसके अंदर उसके अंदर ये एरे होता था, यहाँ पे ये वेक्टर होता है बस, नो ये थर्ड थर्ड लेक्चर भी खत्म हो गया, अब अपन को यहाँ था, हाँ यहाँ पे रिपल कैरी एडर बना रहे, रिपल कैरी एडर बेसिकली वो 4 बिट वाला एडर होता है, ये देखने में उससे भी गंदा है ये, मतलब वो वाला समझाया तो आई थिंक ये वाला एक बार ट्राई करके देखो, मतलब दिमाग एक बार लगा के देखो समझ आ रहा है तो, नहीं तो मैं ये समझाता हूँ, रिपल कैरी एडर पहले बताओ पता है क्या क्या होता है, हाँ मतलब हाँ, पुरानी कैरी लिखता है, और अगर तो ये इस तरह से समझ सकते हो, ये होता है बेसिकली लॉजिक है उसका, और ये मैं नोट्स भेज दूंगा, ये इनके हर एक के वो है कि लाइक एक बेसिक हर एक का बना रखा है, एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 4, ये सारों का बना हुआ है, ये मैं नोट्स भेज दूंगा, ये उसका लॉजिक है रिपल कैरियर का, वापस कोड पे चलते हैं, तो एक बार देखो 2 मिनट में पानी भी गया था क्योंकि गला सूख गया मेरा, देखो ये वाला समझ आता है तो, नहीं तो ये वाला मैं समझाता हूँ,
हेलो हेलो आ हेलो। गया आ गया ऐसे तो समझ। ए के अपन ने चार लिए, बी के चार लिए, वो मतलब एडिशन कर रहे हैं और कैरी अपन पीछे वाली लेके चल रहे हैं। पहली कैरी जीरो थी, वो आगे चलता गया। मतलब अगर किसी को नहीं आया तो और एक बेसिक आइडिया। अब इसके अंदर वो फुल एडर के वही मैंने स्ट्रक्चर यूज़ करे हैं, ये समझ आ रहे हैं ना? मतलब ये क्योंकि फुल एडर का मैं बार बार लॉजिक लिखूँ यहाँ पे पूरा, वो लंबा पड़ेगा। या मैं समझा दूँ या वो एक बार, क्योंकि वो तो पहले आ रखे फुल एडर हाफ एडर, वो तो सबको आता है आई थिंक। नहीं आते तो बोल दो, बता देता हूँ ये वाला क्या पार्ट है। हाँ, ये FA1 FA2 ये क्या लिखते हैं? ये मतलब अरे बेसिकली फुल एडर डेटा फ्लो, ये तो फाइल का नाम होगा। ये ऐसे ही नाम लिख दे। मैं यहाँ पे एफ ए की जगह ध्रुव वन लिख दूँ तो भी चलेगा। मतलब वैसे ऐसा कुछ वो ठीक नहीं है है, इसका, अभी तक इसका कुछ खास कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बस क्योंकि नेमिंग करनी होती है कि हाँ ये एक अलग से कंपोनेंट है, तो इसीलिए वो होता है, ठीक है। ताकि ये पता लग जाए कि ये अलग से कंपोनेंट है, जो अपन ऊपर ये कंपोनेंट बनाया है उसको यूज़ कर सके, इसलिए कुछ भी लिख सकता हूँ। ये उसका सिंबल, वो लॉजिक आ गया कि एडिशन का ये वो है, मतलब हेक्साडेसिमल में एडिशन करता है ना, चार डिजिट का फुल रिपल का डेटा, वो 4 बिट एडिटर है सब्ट्रैक्टर अपन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से बना रहे हैं। अब यहाँ पे अपने पास दो तरीके होते हैं, ये इसका लॉजिक की फोटो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। एक सेकंड ना, मेरे को फोन आ रहा है, एक सेकंड लेके आता हूँ। फिर बात आ रही है अपन। हाँ हेलो। हाँ अब इसके अंदर क्या होता है, अपन जब एडर और सब्ट्रैक्टर साथ में बनाते हैं ना, तो अपन एक खास कर, मतलब इसमें मेरे को काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि वैसे आता होगा तो ठीक है, बट मेरे को आई थी। तो जस्ट अपन यहाँ पे एम को एज अ वो रखते हैं कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर M0 होगा तो अपने पास एडर की तरह काम करेगा, और M1 होगा तो अपने पास उसकी तरह काम करेगा, ये सब्ट्रैक्टर की तरह, क्योंकि लॉजिक लगभग सेम लगता है दोनों में। इसका कोड दिखाता हूँ आई थिंक, तब थोड़ा आइडिया लगे, कोड से समझाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या है, एम एज अ वो रखा है डिसाइडिंग फैक्टर है कि हाँ बी जीरो और बी, मतलब पहले तो इसमें भी होगा कि 0 और 1 का फोटो देखता हूँ, तो मेरे पास अगर पेज के सर्किट की पड़ी हो तो। बाबा एक बार इसके सर्किट की फोटो भेज देते, बस पड़ी होगी ना हो गया नहीं है बिल्कुल। वही क्या? चल ठीक है कोई ना। मैं मंगा लेता हूँ, छोड़ो बेसिक बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या है। कैसे समझाऊँ, मतलब मैं और सिंपल सा लॉजिक है यार, मैं इससे समझा देता हूँ कि एक तो एम में अपने यहाँ पे क्या होता है, अपन को बेसिकली करना क्या होता है, कंट्रोल सी, टेक इट इनटू हियर। हाँ अपन को बेसिकली करना क्या होता है कि अगर ए प्लस भी करना है तो अपन सिंपल लेके चल लेंगे, लेकिन अगर ए माइनस भी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी का अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो ए, मतलब ए बी का टूज कॉम्प्लीमेंट लेके बी जस्ट बी डबल डैश से डिफॉल्ट डॉट कर रहा हूँ मैं उसे, तो ए प्लस बी डबल डैश में लिख सकता हूँ ना सिंपली। तो यहाँ पे अपन इस ये जो एक्सोर गेट है ये इसीलिए लगाते हैं कि बी और ये वाला ले लेंगे 1, 2 और 3 तीनों में, मतलब बी 3 और 1, मतलब इन 3, 2, 1 तीनों में अपन एक्सोर गेट लगा देते हैं। यहाँ पे एक्सोर गेट लगाने से क्या होता है कि अगर अपन को M0 लेंगे तो वो सिंपली वो एज अ वर्क, क्योंकि एक्सोर का वो होता है ना, देख लो बी, अगर मैं एक्सोर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे M बार आ जाएगा प्लस B बार और M आ जाएगा, ये अपने पास एक्सोर गेट का लॉजिक होता है।
अगर यहाँ पे मैंने M0 ले लिया तो ये वाली चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो और यहाँ पे M^1 हो जाएगा, तो वो B की तरह काम करेगा। M0 ले लिया तो एज अ एडर काम करा, ये सिंपल फुल एडर की तरह काम कर जाएगा। और अगर इफ ये नहीं होता है तो देन मान ले M को मैंने 1 ले लिया, अब ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, इसका मैंने B^ ले रखा है तो यहाँ पे B^ की तरह काम कर जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका अपन ने कॉम्पोनेंट ले रखा है, तो अब उसका एडिशन करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मतलब B^ के हिसाब से आएगा ना, बस वही लॉजिक है। M डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे अपन एडर और सबट्रैक्ट का एक साथ बना लेते हैं ताकि कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है और सर्किट एफिशिएंट भी होता है, बस लॉजिक थोड़ा गंदा हो जाता है। और कौन सा, ये खत्म हो गया फोर्थ एक्सपेरिमेंट, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो तो यार पूछ लो, मतलब मेरे को इस वाले तो का कोड दिखाना एक बार, जो पिछला वाला गया था एम वाले का। हाँ ये पहले अपन ने हर एक को मतलब एम बी को बेसिकली मैंने पहले डी में डाल दिया इसका एक्स और करके, ताकि वो एज अ काम कर जाए। अच्छा, और फिर डी के साथ वही फुल एडर वाले हाँ काम फुल कर। एडर वाले काम कर दिए। कमिंग टू द लास्ट लेक्चर, डिकोडर पता है या थोड़ा एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन। अभी पहले फर्स्ट टाइम में पूरा पढ़ाया था भाई, पहले ये भी देखो तो पढ़ाया भाई। हाँ भूल गया भाई अब। रुक जाओ मैं कोड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्चुअली ग्रे कोड ये भी बताना पड़ेगा ये फिर। हाँ ये क्या होता है, ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ शायद। भाई भाई रुक जा बेसिकली रुक यार, मैं ट्रुथ टेबल निकालता हूँ। अबे वो कहाँ है, हाँ अनेबल पिन है इनपुट। बेसिकली इसका काम क्या होता है ना, एक की चार मतलब 2 का 4 3 का 8, मतलब एक से मल्टीपल इनपुट बनाने का काम करता है ये, काइंड ऑफ अगर ऐसे समझाऊँ तो। हाँ गया अगर, हाँ जैसे एन इनपुट्स है तो 2^n आउटपुट्स हो जाएंगे, तो 2 इनपुट्स हैं तो ए, हाँ यहाँ पे अब सीधा कोड पे चलते हैं, समझ आ गया? बेसिक जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि अपन अगर एक बेसिकली 4 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं, 2 के 4 वेरिएबल बना देगा, वो चीज़ है। हाँ 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 और ठीक है, बेटर कैसे समझाओ, मतलब हाँ समझ गया भाई। समझ गया? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलस में फिर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया कोड, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वो अपन उससे कर रहे हैं बिहेवियरल मॉडलिंग से कर रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ए और बी दो इनपुट ले लिया और एक बी ले लिया। बेसिकली यहाँ पे अपने पास हमेशा क्या होता है, जब भी देख लेना एक एनेबल पिन होती है। अनेबल पिन क्या होती है कि अगर अनेबल 0 है तो वो चलेगा ही नहीं, अनेबल मतलब सब आउटपुट में भी सब जगह 0 0 0, लेकिन अनेबल 1 करेंगे तो आगे के बचे हुए केसेस आते हैं। तो अगर अगर ये यहाँ पे मैंने एनेबल की जगह बी ले रखा है, अगर B0 हो गया तो आउटपुट 4 0 वाला 4 0 हो गया, लेकिन अगर इनपुट है तो इनपुट में मैंने ए बी या XY इनपुट लेने की जगह मैं सीधा केस ले लिया इनपुट का, 0 0 इनपुट है तो सीधा आउटपुट 0 0 1 मतलब 0 0 1, 1 है तो 00 10 10, इसका मैं देखो कैसे लॉजिक कैसे समझाऊँ कि लाइक वही बाइनरी वाला जो मैंने समझाया था ना कि बाइनरी ले लो कि लाइक इसका बाइनरी में क्या होगा, सबसे कम वैल्यू होगी बाइनरी में, तो इसको ट्रिपल मतलब आउटपुट में जितना भी है ना उसको उतना कम दे दो, जैसे इसकी बाइनरी में वैल्यू 0 है तो इसको 0001 दे दो, सबसे पहला वाई नॉट दे दो, समझ आ रही बात? हाँ हाँ आ रही आ रही। हाँ इसकी बाइनरी में वैल्यू मतलब उससे बड़ी है, उससे एक बड़ी है तो इसको y1 दे दो, बाइनरी में वैल्यू 0 तो y0, बाइनरी में वैल्यू 1 तो y1 वाला 1। अच्छा, अरे मतलब 2:2 हाँ कर रहे हैं, मतलब हाँ
जो इसकी बाइनरी में वैल्यू है ना, इसकी बाइनरी में वैल्यू जीरो है, तो उस पॉइंट पे, जैसे इसकी बाइनरी में वैल्यू जीरो है तो वाई उसके जीरो वाले पॉइंट को बंद दो, बाकी सारे जीरो कर दो। अरे ये 2:1 वाला ही है कि 2:0, 2:2 ऐसा ही है वो, हाँ 2:1, 2:2 ऐसा ही है वो। हाँ कि जैसे मान ले ए बी सी है, तो यहाँ पे बी और सी वन हो गए, तो यहाँ पे टोटल मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई अपने पास, जीरो और वन थ्री, तो यहाँ वाई थ्री वाला अपन ने वन कर दिया। और अगर तू देखेगा तो ये वन 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 की ऐसे लाइन बनती जा रही है, जीरो पे वन मतलब जीरो पे, फिर यहाँ पे वन पे ऐसे लाइन बन रही है अगर दिख रही हो तो। ये हाँ मतलब देख, अगर इनेबल वन है ना तो जो ए और बी की वैल्यू रहेगी टू हाँ रेस टू दैट वैल्यू, उसको हाँ डेसिमल में निकाल के कर हाँ हाँ ले। वही, यप एकदम सही। अब उसी को मैंने कोड में लिख दिया, ये अलग समझ आ रहा है तो, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ ये तो मैं डायरेक्ट है। हाँ ए ए और बी लेने की जगह मैंने जीरो जीरो चार ही केसेस, तो मैंने चारों केसेस बना डाले बस। और 3 to 8 लाइन डिकोडर कि अब मेरे पास तीन इनपुट हो जाएंगे तो वो आठ आउटपुट हो जाएंगे। अब उसके अंदर क्या है ना, मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, मतलब जैसे बी तो मेरा वो अनेबल पिन है, इनको मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फोटो कॉपी करता हूँ, ये कॉपी इमेज अबे कहाँ, ये ज़्यादा छोटी नहीं आ गई। हाँ हाँ अब मैं इनको वैसे भी मतलब इनको तू वैसे वो भी तो देख सकता है कि एसओपी पीओएस निकालते हैं ना, याद है मतलब थोड़ा सा डीसीएस पढ़ी हो तो, या बी पढ़ी हो तो, या एनालॉग पढ़ी हो हाँ तो, हाँ तीनों हाँ में आया है हाँ भाई। हाँ याद है। हाँ तो उसको तू ऐसे देख ले कि जैसे यहाँ पे अपन को एट दी एंड क्या है, जीरो 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 है, तो यहाँ पे तीनों का नॉट ले ले। नॉट नहीं लेंगे, रुक मैं लॉजिक कैसे समझाऊँ, पहले नॉट आई नॉट आई नॉट आई, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, जीरो पे हाँ यप। इसका हाँ इसका बेसिकली एसओपी पीओएस ले, एसओपी आता है पीओएस आता है आई थिंक, एसओपी आता है, रुक निकाल के देख लेते ना, ए बार बी बार सी बार तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, एसओपी देन हाँ एसओपी आता है बेसिकली इनका, इसका एसओपी ले लेगा ना तो उसको उसको अपन आउटपुट की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका एसओपी ले ले तो, सीधी सीधी बात बताऊँ तो, ठीक है, मतलब जैसे आठ आउट सात आउटपुट निकाल लें, तो मैं इसका सातों को मैंने मतलब आठ आउटपुट है, आठों का मैंने एसओपी, इसका एसओपी ले लिया मैंने हर एक का। हाँ पहले इसका आ गया, देन इसका लेना है तो मैं क्या करूँगा, ए बार बी बी बार सी, तो ये वाला आ जाएगा, तो ये वाई वन हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, वापस वापस क्या? मतलब बेसिकली तो जो जैसे वाई वन है, तो वाई वन अपने पास क्या हो जाएगा, वाई जीरो सॉरी वाई जीरो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका जो तूने एसओपी निकालेगा तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ये वाई वन हो जाएगा। नहीं समझा ठीक है, आ गया मैं। कि हर एक का मतलब, इसको अगर तेरे को वाई वन को रिप्रेजेंट करना है ना तो इसका एसओपी ले ले, एसओपी में हमेशा अपन को वन बनाना होता था ना कैसे भी। हाँ हाँ तो वाई वन वाई टू वाई थ्री इन सबको अगर तेरे को आउटपुट की वो वैल्यूज निकाल ली, कि तू इसको अगर तेरे को गेट्स में प्रेजेंट करना हो तो तू कैसे करेगा, तो उनका सिंपली एसओपी ले ले, बात खत्म है। ठीक है, ये पूरे का एसओपी लिया हुआ है, मतलब मैं इतना ये हर एक को एंड ये सब नहीं, सीधा एसओपी लिया हुआ है, सीधी बात है, यही है एंड एसओपी ले लिया, यही उसका सिमुलेशन का रिजल्ट है। ये सब तो तुमने भी बना रखा है, मतलब मैं ये ट्रुथ टेबल नहीं समझा रहा, ट्रुथ टेबल बेसिक सीधी सी है यार। हाँ अब ये वाली चीज है, ये एक क्वेश्चन आता है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, जैसे 3 to 8 लाइन डिकोडर है यूजिंग एफ ए बी सी का, अपन को ये वाली चीज है ना, तो अपन को सिंपली क्या करना है, पहले मैंने क्या करा हुआ देखिए, एकदम सीधा तरीका बताता हूँ। मैंने एट डिकोडर लिया, 3 to 8 मेरे पास पड़ा ही है, इनपुट अपने पास है, और यहाँ पे अनेबल सीधा अपन को वन दे रखा है, ओके
3-8 वाला डिकोडर लिया, एंड में अपन आउटपुट लिख देंगे, जो जो अपन को वैल्यूज दी हुई है उन सारों को और कर दे, बस यही आंसर है। मतलब ऐसा कल एक ना एक बच्चे के ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये बात है कि सिंपली तू 3-8 डिकोडर बना, उसको एज अ कॉम्पोनेंट ले, और जो फाइनल आउटपुट है ना तेरा, फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, जो भी देखो चीजें दी हुई है 1, 2, 4, 5, 7, उन सबको और में ले ले, बस फिनिश, टाटा बाय बाय। मतलब वैसे खत्म हो गया ये वाला, इतना इजी होता है ये। अच्छा मतलब उन सब के आउटपुट को और ले लेना है। ठीक हाँ बस उन सबके आउटपुट का और ले ले, बस खत्म। ठीक है। 4-bit एरर, हाँ ग्रे कोड, ग्रे कोड कैसे समझाऊँ बेसिकली। अरे ग्रे कोड में क्या होता है ना, जैसे अपन अगर देखो याद हो तो के मैप 4 डिजिट वाला अगर के मैप अपन लिखते थे, तो अपन लिखते थे 00, 01, 11 और 10, ऐसा लिखते थे हम हमेशा ऊपर जो लाइन आती थी, या फिर अपन अगर नंबरिंग भी करते थे अंदर तो 01 फिर इधर 2 और इधर 3 करते थे, ऐसे करके पूरी नंबरिंग होती थी। अच्छा तो वो इसलिए होती थी कि क्योंकि वो ग्रे कोड में चलता था। ग्रे कोड में होता क्या है ना कि अपन जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 00, 01, 10, 11, तो यहाँ से हर एक में यहाँ पे 1 बिट का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 2 बिट का अंतर है कि 1 का 0 हुआ है और 0 का 1 हुआ है, तो यहाँ पे 2 बिट के अंतर में एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए अपन ग्रे कोड का यूज करते हैं। ग्रे कोड में एरर की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, मतलब ये सिंगल बिट है ना, तो डबल बिट में उससे डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 01, 11, 10। यहाँ पे भी 1 ही बिट का चेंज हुआ ना, क्योंकि 0 से 1 गया है, बाकी तो सेम है, यहाँ पे भी 1 का चेंज हुआ, यहाँ पे फिर से 1 का चेंज हुआ, वो चीज है ठीक है, समझ गया। ग्रे कोड, ये चीज होती है, मैं बस वो बता रहा था अभी। हाँ तो अब ग्रे कोड अपन बनाएंगे कैसे, ग्रे कोड का देख, ये मतलब अब ये ऐसा क्यों होता है ये मत पूछना, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, बस होता है कि लाइक अपन ग्रे कोड में क्या करते हैं, कि मान ले मेरे पास मैं x 0 से लेकर 4 तक है, तो ग्रे कोड लिखने का तरीका क्या होता है, मैं x4 को तो यूं का यूं ले लूंगा, x4 तो x4 रह जाएगा, और बाकियों के साथ मैं एक्स और गेट लगा दूंगा, ये देख एक्स और गेट लगा दूंगा मैं हर एक के साथ, x4 यहाँ पे एक्स और गेट लगाया मैंने, और है ठीक है सब, और है सॉरी बनाओ, यहाँ x3 हो जाएगा, देन x3 को मैं फिर से वापस यहाँ पे एक और एक्स और गेट लगाऊंगा, यहाँ पे x2 के साथ कर दूंगा, बहुत गंदा है मेरे को पता है डायग्राम, x2 ठीक है, ऐसे लेकर वहां तक चलता जाएगा। अबे 4 में 5, 5 का ले लिए, 5 का होता नहीं है, समझ जाना, फील समझ जाना, ऐसा होता है, अगर तुम लॉजिक समझ सको तो, यही वाला लॉजिक मैंने लिख रखा है। इसका अरे मतलब कौन से इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा, कुछ ऐसा आइडिया है समझने के लिए? मतलब क्वेश्चन में क्या करना है अपन को? ग्रे कोड में बेसिकली ग्रे कोड ज्यादा तेरे को ग्रे ग्रे कोड में कोड कन्वर्ट यूज, करना है। हाँ कि अपन को बाइनरी में दे देगा, वो बेसिकली ग्रे कोड का कहीं यूज करवा लेंगे। ग्रे कोड यूज करने का सीधा तरीका यही है कि ग्रे कोड में पहले कन्वर्ट करो और उसको सीधा यूज कर लो, ये ग्रे कोड में कन्वर्ट किया हुआ है बस, अब ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहे हैं ये अपने पास फाइनल ग्रे कोड में आउटपुट है, अब इनको आगे कहीं यूज करा सकता है अच्छा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन। तो हाँ अब यहाँ पे जैसे i3 लिया, और फिर i2 में i2 x3 और x2 का और कर दिया, फिर x2 और x1 का और कर दिया, फिर x1 और x0 का और कर दिया, तो इससे सीधा ग्रे कोड बन जाता है, और ये वैसे बिहेवियरल नहीं है, यहाँ पे डेटा डेटा फ्लो होना चाहिए था, बिहेवियरल लिख रखा है। और अब ये वाली चीज हो गई, देन 4-6 लाइन डिकोडर यूजिंग 2-4 लाइन डिकोडर, समझ आ रहा है ना, वैसे मैं तो मेरी साइड से बेस्ट ट्राई करिए, मतलब मेरे को तो आ रहा ये वाली चीज तो जारी, ये तो एकदम बेसिक सा है यार, डिकोडर जो अभी ऊपर अपन करते आ रहे हैं इतने अलग अलग तरीके से, बस उसको स्ट्रक्चरल में कर दिया ये लास्ट वाला, लाइक पहले भी तो डिकोडर्स करे थे ना, अभी ये ऊपर ही तो करे हैं, तो उन्हीं को दोबारा कर दिया कि 3-8 डिकोडर है, तो उसको मैं कोड ना लिख के 4-16 जो डिकोडर है उसका, उसके अंदर मैंने 2-4 डिकोडर सारे यूज कर लिए, वो तरीका है।
इसका तुम्हें लॉजिक हर बार, मतलब क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट आए, लकी हो तुम, लेकिन नहीं आएगा जहाँ तक, कुछ ना कुछ वो थोड़ा चुल करके देगा। मैंने यहाँ पे अब, हाँ जब तू बोल रहा था ना जैसे कि वहाँ मैं डिकोडर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे कुछ भी नाम दे दिया। अच्छा। तो वो है कि यहाँ पे अब मैंने क्या किया, रुक मैं यहीं से समझाता हूँ। यहाँ पे अपने पास ए और बी होंगे, एक मिनट, 1 2 3 4, ये चेरी, सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, बेसिकली मैंने दो दो को वाले इनपुट ले लिया ना, तो इसके दो इनपुट को मिला के 4 इनपुट हो गए। पहले का मैंने इनपुट डाले, पहले उसमें पहले 2 to 4 वाले में, यहाँ से अपने पास 4 इनपुट लाइन्स आ गई। फिर इसको मैंने बी वाले के साथ मैचिंग कर दी, सिंपल, मतलब एकदम वैसे एकदम जीरो लेवल पे। तो यही है, अगर समझ आए तो देख ले, नहीं आ रहा तो मैं वापस एक बार हर एक पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक आराम से, है ठीक है। एकदम, क्योंकि वही सेम है, तो फिर मेरे को यूँ लग रहा वापस पूरा, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में मैंने कहा था मैं खत्म करा दूंगा। 1 घंटे से 10, अपन ने 10 एक मिनट लेट चालू करा था, तो 1 घंटे के अंदर तो पूरा खत्म हो गया है। हाँ। हाँ, और इसके मैं अभी आगे 2 3 लेक्चर के बने हुए, शायद 3 एक्सपेरिमेंट के बने हुए, और आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स के मैं बना के भेज दूंगा ये ठीक नोट्स, है भाई। ताकि थोड़ा आइडिया रहे अगर एग्जाम में भी जरूरत पड़े तो। और ये जिस एक्सपे जो मतलब तूने PDF से समझाया ना, वो भी मेरे को भेज देना एक बार, वैसे तो ये मेरी मतलब ये डीसीएस ये की वाले। हाँ लैब फाइल ही है मेरी, ये मैं भेज दूंगा। हाँ मतलब हाँ वही। ठीक है। और हाँ एक और बात, ये क्या बोलते LUT हैं, क्या होता है ये मेरे को भी नहीं अच्छा पता, चल। LUT क्या होता है? LUT मुझे भी नहीं आइडिया। ग्राफ में था उधर पावर वाले उसके साइड में। मतलब मैंने भी 2 3 से पूछा, लेकिन मेरे को इसका जवाब मिला नहीं कि LUT क्या होता है। एक बार शायद किसी मीट में मैंने सर से भी पूछा था, तो मेरे को ध्यान, सर ने कोई ढंग से जवाब दिया नहीं था। अच्छा, ये सिंथेसिस रिपोर्ट भी कल देनी है क्या? कल क्या रुपए, शायद सबको देना ही है।